केंद्र भाजपा सरकार वालों लियांदे खेती अते किसान मारू तीन कानूनों के पास होने एक साल पूरे होने आम आदमी पार्टी ने कानून रद्द करवाने लई पंजाब तो शुरू होकर दिल्ली दीआं सरहदां ते बैठे संघर्ष लड़न समय शहादतां दे जाम पीण वाले किसानां नूं शरदा दे फुल भेट कीते। इस दौरान जिला पद्धरी श्रद्धांजलि समागम फिरोजपुर विच कीता गया। गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब तो शुरू करके मार्च की समाप्ति लाइट चौंक बस स्टैंड फिरोजपुर छावनी विखे की गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि खेती कानूनों विरुद्ध संघर्ष निर्विघन जारी रहेगा। जिहड़ा एक साल तो साढ़े किसान वीर दिल्ली दीआं बरूखां दे बैठे आ और उत्थे 600 तो ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिले, उन्हां दे परिवार चढ़दी कला च रहिण और सुत्ती पई मोदी सरकार जागे, देश दे अन्नदाते दा इस तरह निरादर करना बहुत आया और इन्हें किसानों के नाल वादा करके दोबारा दिल्ली के तख्त बैठा इन्नी वड्डी तादाद दे विच इन्हां नूं जित प्राप्त हुई पर अज अडानी अंबानी अमीर परिवारों के नाल इस चीज़ नूं पूरी तरह नकार रहे ने और आम आदमी पार्टी जिहड़ी शुरू तो ही किसानों नाल खड़ी आ आम लोगों लई पार्टी बनी आ जिंदा सुधार भी आम लोगों की लड़ाई लड़ना है। अज असी पूरे पंजाब के हर जिले के असी उन्हां दी महान जिहड़ी शहादत आ उन्हूं श्रद्धांजलि अर्पित की है और असी मंग करते हाँ मोदी सरकार तो भी इस तो ज़्यादा तशद्दुद अन्नदाते दे जे करोगे तो मैं समझदा तुहानू लोकां ने भी माफ़ नहीं करना ते उस परमेश्वर ने भी 600 जिहड़े शहीद हो गए ने किसान उन्हां बारे की कहोगे? बिल्कुल जी, उन्हां दी कुर्बानी अजाई नहीं जाऊगी और जिहड़े इस अंदोलन दे विच किसान जथेबंदियां जित प्राप्त करनगियां और उन्हां दे नाल अज किसान जथेबंदियां दे नाल पूरे हिंदुस्तान का कला कला छंदा चाहे वह व्यापारी आ चाहे वह मजदूर आ चाहे वह कोई नौकरी करने वाला इंसान आज उन्होंने खड़ा है और ये बड़ा वड्डा वड्डी लड़ाई आ और बड़ा वड्डा शांतमई अंदोलन पूरी दुनिया के किसानों ने विखा दिता है कि जिवें असी अंग्रेजों को शांतमई ढंग नाल इस देश चो बाहर कढ़िया सीगा इन्हां काले कानूनों को बिल्कुल बाहर कढ़िया जाऊगा इस देश के कानून के विचों और इस लड़ाई के आम आदमी पार्टी का कला कला वर्कर कला कला वलंटियर किसानों के नाल खड़ा। किसानी मुद्दा बड़े लंबे ही समय तो किसान बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली दी बरूहां ते लगभग साल तो उपर हो गया, सेंटर सरकार ते पंजाब सरकार के कन्न ते बिल्कुल जू नहीं सरक रही क्योंकि किसान पंजाब की औंद ने किसानी की जिहड़ी जवानी है वो पंजाब की ये शान है लेकिन किसानों की बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगभग 600 तो प्लस किसान शहीद हो चुके हैं तो कैप्टन साहब के दिमाग से बिल्कुल भी कोई असर नहीं कर रही और मोदी सरकार के कंधे जू नहीं सरक रही उसी करके जो किसान साढ़े शहीद होए आ उन्होंने करके असं अज कैंडल समागम रखा है। सो यही बस सरकार को जागरूक करना चाहते हैं भी किसान के नाल धक्का ना करो तशद्दुद ना करो, ये बहुत जरूरी है कि किसानों नाल लैके किसानों की जिहड़ी मंग है उन्हें पूरा किया जाए क्योंकि जिहड़े लोग नहीं चाहते कि सानू असी ये जो काले कानून साढ़े थोपे जा रहे हैं अगर वो लोग नहीं चाहते किसान नहीं चाहते भी सानू ये साढ़े ना लगाए जाने तो वो सरकार क्यों धक्का कर रही है। सो उसी करके अच्छ पिंड लोग इकट्ठे होकर इतने बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं और जो साढ़े किसान भाई वो शहीद होए उन्होंने असं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते अब इतने पहुंचे हैं। उते दूजे पासे जिला प्रधान चरणजीत सिंह अंकावाली की अगवाई हेठ बुढ़लाडा विच भी कैंडल मार्च कढ़िया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप दे सूबाई कोर कमेटी चेयरमैन ते हलका बुढ़लाडा दे विधायक प्रिंसीपल बुद्धराम सूबाई आगू एडवोकेट गुरप्रीत सिंह बणावाली ते हलका मानसा दे इंचार्ज विजय कुमार ने कहा कि देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह वांग विचर रहे ने जिन्होंने किसान अंदोलन दौरान शहीद होए किसानों के हक च हजे तक हां दा नारा नहीं मारिया। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਬ੍ਰੰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਾ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੇ ਨੇ
किसानों ने अगे होकर संघर्ष लड़िया गया, खास करके पंजाब दे किसान जथेबंदियों ने संयुक्त मोर्चा बना के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अज असी उन्होंने साथ देने के लिए जो किसान शहीद हो गया उन्होंने श्रद्धा से सत्कार भेंट कर लिया, अच्छ कैंडल मार्च किया। तो ये हैरान आगे कि देश का प्रधानमंत्री 600 तो ज़्यादा साढ़े किसान शहीद हो गए, एक लफ्ज भी किसानों बारे नहीं बोलिया, मावां दे पुत चले गए, बच्चे नाथ हो गए, कई पत्नियों का सुहाग उजड़ गया, पर इसने सी नहीं की। पर संघर्ष जारी रहूगा, आम आदमी पार्टी किसान बन के मजदूर बन के व्यापारी बन के जो संयुक्त मोर्चा सानू प्रोग्राम दूगा उस विच खड़ांगे, ते वो शहीद होने वाले किसानों श्रद्धांजलि ते सिजदा करदे आ, ते असी आस करदे आ कि यह संघर्ष असी जित के मोदी नू माफ़ी मंगनी पऊगी, मोदी का नक् लवा के रहांगे, मोदी पिछे हट के रहूगा, कारण एको कि लोकतंत्र च लोग वड्डे हुंदे हंकार वड्डा नहीं। अमर रहन, अमर रहन, अमर रहन, किसानी संघर्ष के शहीद अमर रहन, अमर रहन, अमर रहन। देखो जी, मोदी च हिटलर की रूह बस गई है, एक तानाशाही रवैया अपनाया होया, जो कि साढ़े आप दे किसान जिन्होंने सारे देश का ढिड भरिया है वो दिल्ली के बॉर्डर से बैठे ने, और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने मंगा जिहड़ियां बिल्कुल जायज ने उन्होंने मने ता जो वह किसान जिहड़े दिल्ली बैठे है वो अपने खेतों च कम कर, जिस तरह पहला सारे पंजाब ने देश नू जिहड़ा अन्न ते निर्भर साढ़े पंजाब ते सी वह दोबारा अपना काम करन। इसे किसानी संघर्ष च 600 तो वध साढ़े किसान शहीद हो गए ने, एक भी हादा नारा केंद्र सरकार वालों मोदी जी वालों नहीं मारिया गया। और इहदे विच आपां नू सारिआं नू पता है हरसिमरत कौर बादल जी उस टाइम कैबिनेट मंत्री सन, उन्होंने भी साइन किए ने, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाल रलिया होया है, वो जिहड़ियां नीतियां वो तो पता लगता है वो सारे रले मिले ने, और सारे किसान विरोधी ने, और ये खिलाफ अज आम आदमी पार्टी जिहड़े साढ़े शहीद होए है उन्होंने एक भी शब्द मोदी जी ने नहीं बोलिया, हादा नारा नहीं मारिया, जदों कि वह भी उस देश की परजा है, और आम आदमी पार्टी ये पुरजोर शब्दों से निखेधी करती है, निंदा करती है, और इस किसानी संघर्ष के जो शहीद है उन्होंने श्रद्धांजलि दिंदी है, और नाल ही जिहड़े भी प्रोग्राम अलीकणगे किसान संघर्ष दे जिहड़े जथेबंदियां ने संयुक्त किसान मोर्चा उहते आम आदमी पार्टी भावें उह भी रैलियां ना होण, भावें जिस तरह चोण प्रचार करना, असीं पूरी तरह नाल उहनां नाल सहमत हाँ, और इस किसानी अंदोलन च आम आदमी पार्टी वध चढ़ के हिस्सा लूगी। साडे जिहड़े सारे वलंटियर ने, साडे वर्कर साहिबान ने, बिना किसी झंडे दे बिना किसी डंडे दे किसानां नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के पहलां दी तरह खड़नगे। ਸਰ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕ ਨੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ,
जिस इस साल के घट्टो घट 650 किसान इस किसानी अंदोलन की भेट चढ़ गए हैं। बिल्कुल तरस नहीं आया, एक शब्द भी मोदी ने इन्हों के हक च नहीं बोलिया और इस तरह लगता जिमें मोदी के किसी दैंत की ज औरंगजेब की रूह मतलब बस गई हो। सो असी मोदी को दोबारा फिर अज के जरिए कहने तो जरिए कहने मीडिया जरिए कहने कि काले कानून वापस लैके जो किसान के साड़ी नस्लों ने और साड़िया फसलों ने इनू बचाने वास्ते जिहड़ियां कारपोरेट नीतियां ने इनू बंद करे और साढ़े काले कानून वापस होवे तां जो किसानां दे ट्रैक्टर जिहड़े दिल्ली दे वल मूँह करी बैठे ने वो खेतों वल मूँह करके अपनी जिहड़ा फसलों दे विच कम करन खेतों च कम करन। सो अज दा जिहड़ा इकट्ठ है अज साढ़े प्रधान चरणजीत सिंह जक्कां वाली जिला प्रधान की अगवाई हेठ अज बुलाडा दे विच जिले लेवल का जिहड़ा इह कैंडल मार्च कढ़िया गया सीगा उन्हां किसानां नूं संधाजली भेट करन दे लई जिहड़े शहीद हो चुके ने ते उहदे नाल मैं विशेष तौर ते धन्नवाद करदा सारे ही वर्करां दे उत्ते। मानसा तो वड्डी पद्धर दे वर्कर आए ने श्री बीजे सिंगला की अगवाई हेठ सर गुरप्रीत जी बणावाली इन्हां दी अगवाई हेठ बहुत साढ़े जिहड़े सीनियर जिहड़े हैगे ने लीडर ने भीखी तो सोनी जी दी अदा दत्तेवाल साहब ने वो जिन्ने भी साढ़े सीनियर वर्कर ने वो अपने अपने ढंग दे नाल इत्थे अपने आ के अपने उस नाल ते बोहा तो परमजीत पम्मा जी सुखा जी सुखपाल जी जिन्हें भी मैं ना लवा तो लंबी लिस्ट हो जूगी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुम अज किसानी अंदोलन के नाल एक बार होर हाला नारा मारे।